जैसे ज्योग्राफी में मैंने बताया कि मैंने कुछ कुछ डायग्राम्स अलग से छाट के रखे थे, फॉर एग्जांपल इंडिया का नक्शा बना करके कौन सा एरिया फ्लडिंग के लिए प्रोन है, कौन सा एरिया में ड्राउट आता है, कौन सा एरिया में अर्थक्वेक आता है, तो इस टाइप से मैंने जो है वो डायग्राम जो है वो रेडी करके रखा था ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। जैसे वाटर मैनेज के क्वेश्चंस आप देखेंगे हर साल आते हैं, तो वाटर मैनेजमेंट वाटर के लिए मैं एक चार्ट बना के रखा था कि 1947 में ऑलमोस्ट 5000 लीटर्स पर पर्सन अवेलेबल वाटर अवेलेबिलिटी थी इंडिया में, फिर अभी क्या है 1600 लीटर्स के करीब हैं, एंड फिर 2050 में क्या होगा ऑलमोस्ट 1000 लीटर्स। सो ये एक जो चार्ट ये मैं बोल रहा हूँ, ये आप अलग से आप पहले से सिलेबस को देखते हुए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कुछ नया चीज़ याद नहीं आएगा, जो आप प्रिपेयर पहले से किए हुए हैं और जो आप प्रैक्टिस किए हुए हैं टेस्ट में, वो आप बाकायदा एग्ज़ाम हॉल में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।